जनाब कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो कोहिस्तानी भाई की हम एक नई वीडियो लेके आ गए हैं एंड वीडियो उनकी है। हाँ, बहुत ही मस्त और अमेजिंग सी वीडियोस होती हैं भाई इनकी ना, बहुत इनकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है इनकी वीडियोस से। तो आज की वीडियो होने वाली है कि मुस्लिम्स होते हैं वो कावा के अराउंड सर्कल लगाते हैं, तो वो सर्कल क्यों लगाता है, क्या है उसके पीछे की वजह, तो आज जानते हैं पूरी पूरी वजह। हमने देखा है कि हज करते हैं तो हाँ, वो पीछे चक्कर लगाते हैं काबा के आसपास ना, बात है ना। देखते हैं उसका रीजन, हाँ, क्या, रीजन है ना? क्या है कि क्या है उसका जो पक्का मेन रीजन है वो क्या है, सो इस वीडियो में हमें पता लग जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए जमीन से आसमान की तरफ गए। अब अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, विच मीन्स सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है, और कभी स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है? लेकिन अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह की इबादत करती है। तो यूनिवर्स के इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात कॉमन एक जैसी जरूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि जमीन, अर्थ ही दुनिया का सेंटर है, और जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उसने दो लेंसेज को अलाइन करके रखा, तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीजों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप्स दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी और समंदरी सफरों में यूज किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप को इम्प्रूव करके इंसानों की तारीख में पहली दफा इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन सारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। 1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए, इससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था कि अगर ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हो, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस जमाने के पोप का ये ख्याल था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है, और सिर्फ पोप का नहीं पूरी दुनिया का ये ख्याल था। जमीन तो साकिन है, जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सजा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा, और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पोप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है, और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है, और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। हैव अ सुपर मैसिव ब्लैक होल एट देयर सेंटर। इस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, ने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने जमीन, जुपिटर, मार्स, इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है, लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं, और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है, और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर्स और भी मौजूद है। अब आपने ये नोट किया कि इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए, तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने तो कहा है कि ये सारी चीजें इबादत करती हैं। आपको पता है अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरह हज में। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम की सबसे मुकद्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है?
जब वो सलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निजाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का नहीं कहा, बल्कि हर चीज, पहाड़, दरख्त, जानवर, सब का कहा है। ये तो सर्कल्स में नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल माबूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने यह फरमाया कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। सब्सक्राइब। So guys, ये थी वीडियो बहुत ही अमेजिंग, बहुत 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 कमाल की वीडियो। समझाते कैसे हैं और इतनी छोटी चीज को भी ये ऐसे वो करते हैं कि बंदा समझ ही जाएगा। सही बात है ना, पूरा पूरा हम समझ गए। और लास्ट में जो इन्होंने चीजें कही थी कि खुदा कहते हैं कि सारी की सारी चीजें जो भी हैं धरती पे वो मेरा तवाफ करती हैं, मतलब कि है ना गोल गोल घूमती हैं। तब दिमाग में ये चीज कहा कि क्या बोलते हैं, इंसान तो चलो घूमते हैं लेकिन पेड़ पौधे पहाड़ ये कैसे घूमते हैं। लेकिन फिर उन्होंने एटम का एग्जांपल दिया ना, अब हमारे हर एक चीज एटम से बनती है भाई। अब बॉडी में देख लो कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, कपड़े ये हर एक चीज में एटम है। तो एटम्स में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं भाई वो भी है ना घूमते, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी घूमते हैं भाई उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इर्द गिर्द, तो वो भी चीज़ घूम रही है। अब हम ये पहननी है तो इनमें एटम्स होंगे तो वो भी घूम रहे होंगे, तो अभी से बात है सभी चीज़ें घूम ही रही हैं किसी न किसी तरीके से। तो बाकी ये थी वीडियो भाई, बहुत अमेजिंग कंसेप्ट था, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी, इतनी अमेजिंग वीडियो थी इनकी। तो अगर आप चाहते हो मोर देन की वीडियो लेके आए, आपको भी नॉलेज मिले जिस चीज़ से, तो वो चीज़ हम लेके आते रहेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कराओ, सो दैट हमें भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम भी चाहें कि नहीं यार ये वीडियो लेके आते हैं, ये हमारी ऑडियंस के लिए काम की आएगी। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।